और लो ना फैसल बेटा। थैंक यू सो मच, मैं काफी खा चुका हूँ और ये तो मैंने बहुत ज्यादा खाया। मैं कबाब लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे कुक के हाथ में तो जायका है, तो तुम लोग भी रख लो। अरे क्या बात कर रही हो, बड़ी मुश्किल से एक मुलाजमा रखवाई और किचन में मुलाजिम, इम्पॉसिबल। तो मेरा गुजारा कैसे होगा? आप वहां आइए तो सही, मुलाजमों की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके लिए। अच्छा, मामी रखने देंगी? बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मना लेंगे उनको भी। वैसे एक बात बताओ, ये मामी इतनी कंजूस क्यों है? अरे तुम्हारी फुप्पो हमेशा ही से ऐसी है, और नाश्ता तो उन्होंने आज तक अपने लिए बनाया ही नहीं, सबका बचा कुचा खा लेती थी आराम से। और जहां तक कपड़ों का सवाल है, उसकी वजह अम्मी को ये सब करने पर मजबूर किया गया था। मजबूर कौन कर सकता है, सब बेकार की बातें। फुप्पो मैं इतना छोटा बच्चा नहीं था तब, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला। अम्मी की कॉल आ रही है, मैं लेट हो गया, मुझे घर जाना होगा। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। मामा क्या जरूरत थी उससे ये बातें करने की? क्या कह दिया मैंने? आप भी ना। फैसल 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 प्लीज रुको, मुझसे नाराज होकर जाओगे। तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ पप्पो इसी तरह की बातें करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आना अवॉइड करती हूँ। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब तक भूला नहीं किस तरह इन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर किया था। प्लीज फैसल, हमें माजी से क्या लेना देना, ये हमारा रिलेशनशिप है और इसे हम दूसरों के लिए खराब नहीं कर सकते। फिर वो तुम्हारी मदर हूँ या मेरी, मुझसे इस तरह से नाराज होकर जाओगे तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से होता। I know. कल मिलोगे लंच पर? कल लंच कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। ओके। अच्छा अब मैं चलूं? ओके। कल हाफ्स। फैसल ऐसा कब तक चलेगा? कि तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता क्या? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे तुम जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत अच्छी लगती। सोच लो, ऐसी लड़कियां हर बात पर जी हजूरी नहीं करती। जानता हूँ, ऑनेस्टली मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए भी नहीं जो जी हजूरी करें। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी जी हजूरी ही की, हर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। जरूरी है हमारी हर मुलाकात में मामी का जिक्र हो? तुम्हें बुरा लगता है क्या? नो, आई फील गिल्टी। हालांकि माजी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, फिर भी तुम हर बार मुझे ही। वेरी सॉरी यार, आई एम सॉरी। मैं जानबूझकर उनका जिक्र नहीं कर रहा था, तो बस वैसे ही मेरी हर बात में तुम्हें पता है उनका नाम होता है। Anyway, तो मामी से बात कब करोगे? मौका मिलते ही कर लूं। थोड़ा जल्दी करो तो बेहतर। तुम जानते हो कि मामा मेरी शादी के बाद पापा के पास शिफ्ट होना चाहती है। मेरे बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं और मुझे किसी एक को फाइनल करना है। और तुम्हें ये भी पता है कि मामा हमारे रिश्ते पर खुश नहीं है, सिर्फ मेरी वजह से वो खामोश हो जाती है। देखो सोनिया, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर लेके आना भी तो एक मुश्किल मरहला है ना। जरा मुश्किल नहीं है, मामी जैसी औरतों को मनाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की काफी होती है। बाय द वे, तुम्हें पता है पापा कह रहे थे कि वो हमारी शादी पर हमें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं, अपने दामाद को। गुड, अच्छी बात है। चले थोड़ी देर बैठो ना प्लीज। थैंक यू।
कब करोगे तुम शादी? बूढ़ा होने के बाद? या कोई और लड़की पसंद कर रखी है? वैसे मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों को पता है ना कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को परवान चढ़ाया है मैंने। अब वक्त आ गया है इन सारी मुशक्कतों का सिला मिलने का। मेरा भी अरमान है फैसल, हर माँ की तरह मैं अपनी पसंद की बहू लाऊं जो इस घर को सजाए सवारे। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अरे क्या खाक घर बनाएंगी, उल्टा बेटे लेकर उड़ जाती हैं। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जिसे कोई भी बहला फुसला कर कहीं ले जाएगा। समझदार हूँ, सोच सकता हूँ। इस लड़की की तस्वीर को गौर से तो देखो, कितनी सादी और मासूम सी है। छोटा सा खानदान है, सादे से लोग हैं, मिलजुल कर रहेगी। कल मैंने ना इनके घर वालों को चाय पे बुलाया। क्या आपने इन लोगों को चाय पे बुला लिया? तो क्या खाने पर बुलाती? अल्लाह जाने बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहले से ही 50 की जगह 100 रुपए खर्च कर दूं। किफायतशुमारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? थैंक यू सो मच, मैं एक जरूरी काम है वो करके आता हूँ। बात सुनो मेरी जी, बिल्कुल वक्त पर आ जाना, वो लोग इंतजार ना करें। जी अम्मी बिल्कुल वक्त पर आ जाऊंगा। इतनी अच्छी तो है, ऐसी नखरे दिखा रहा है। मौका अच्छा था। सही कह रहे हो, लेकिन मैं अम्मी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। ये बात तो आपको सोनिया को पसंद करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि उनको कितना दुख पहुंचेगा। आज नहीं तो कल उनको पता चलना ही था। मुझे ऐसा क्यों लगता है मोहित, जैसे तुम्हें भी सोनिया पसंद नहीं है? सच कहूं नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि वो पप्पू की बेटी है? एक रीजन ये भी है। और दूसरा? भाई वो बहुत बेबाक और खुद पसंद लड़की है, इस घर को जोड़ के नहीं रख सकती। मुझे उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे। भाई अगर आपने उनको पसंद किया तो कोई तो क्वालिटी होगी ना उनमें। बस ये सोचें कि अम्मी उस घर में रिश्ता लेके कैसे जाएंगी। फिर भी आप कोशिश करें, देखें आपकी लक कहां जाती है। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह होता ना तो सोनिया जैसी लड़की को कभी अपना लाइफ पार्टनर बनाने का नहीं सोचता। अम्मा घर में मेहमान बुलाए बैठी है और तुम यहाँ मुंह छुपाए बैठे हो, अजीब तमाशा है। क्या चाहती हो, अपने घर जाऊं और मेहमानों को अपनी शक्ल दिखाऊं? मैंने ये नहीं कहा, पर एटलीस्ट अपनी अम्मी से बात करो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, खत्म करो ये किस्सा। ये सब इतना आसान नहीं है सोनिया, अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों क्यों नहीं मानेंगी? मैं बहुत बुरी हूँ या बहुत बच्चे कलू जो मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी? वो बात इससे बहुत बढ़कर, तुम जानती हो हम दोनों की फैमिली की हिस्ट्री क्या है। जब तक अम्मी तुम लोगों के घर आकर तुम लोगों का हाल चाल पूछती रही तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आना जाना छोड़ दिया पलट कर तुम लोगों ने हमारा हाल भी पूछा, देखा भी आकर कि हम किस हाल में रह रहे। और अब तुम बात कर रही हो रिलेशनशिप्स की, कैसे बनते हैं ये रिलेशनशिप्स? मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? अगर 30 मिनट की मुलाकात 20 मिनट हमने खानदानी इश्यूज ही डिस्कस करने हैं, मेरा ख्याल है यूर वेस्टिंग आवर टाइम। खुदा के वास्ते परफेक्ट, मेरी जिंदगी में और तमाशा क्रिएट मत कर। क्या करूं बैठे बोलो? तुम हर बार मुझे ये एहसास दिलाते हो फैसल कि तुमने मुझे पसंद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। डू यू हैव एनी आइडिया? एक लाइन लगी है मेरे लिए प्रपोजल्स की जिन्हें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिजेक्ट करती हूँ। कभी सोचा है तुमने कि मुझ पर मेरी फैमिली का कितना प्रेशर है? मैं लड़की होकर इतना स्टैंड ले रही हूँ और तुम अभी तक अपनी माँ को ये नहीं बता पाए कि तुम मुझे पसंद करते हो। इससे ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं फैसला। इससे बेहतर है कि तुम एक फैसला कर लो। नाइस रूम। थैंक यू। अपने घर में वेलकम नहीं करोगे मुझे? अपने घर में कोई किसी को कैसे वेलकम करता है?
बस इन्हीं लफ्जों से बहलाते रहना मुझे। हाँ मुझे देखो, इतनी इंसल्ट के बाद भी मम्मा को लेकर आ गई, अब इससे ज्यादा मेरी मोहब्बत का क्या सबूत चाहिए? I know. And trust me, I really appreciate that. मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें अब कैसे मनूं? बस सोचते रहना तुम, करना सब कुछ मुझे ही पड़ता है। Come on, यार। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मजबूरी। समझती हूँ, इसीलिए तो आज मामा को बनाकर तुम्हारे घर लेकर आई। देखो फैसल, वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं और उनमें से किसी एक को मुझे फाइनल करना होगा। पापा का भी बार बार फोन आ रहा है, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं डाल सकती। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूँ, मैं अम्मी को कन्विंस कर लूँ। सच? वैसे भी सोनिया, आज तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कितनी कमी है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। मैं इस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। फैसल? जी अम्मी, मैं सोनिया को दिखा रहा था घर, कमरा। हाँ मेरा। तुम्हारी फुप्पो नीचे बुला रही है, शायद उन्हें बहुत देर हो रही है, वो घर जाना चाहती हैं। अरे नहीं मामी, आज तो हम पूरी फुर्सत से आए, खाना खाकर ही जाएंगे, क्यों फैसल? That's a wonderful idea, great idea. मामी शायद खाना बनाने के ख्याल से घबरा गई हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? मम्मी मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए नीचे फूफो के साथ बैठिए, गपशप लगाइए। परफेक्ट, लेकिन मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, ओके? हाँ बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है कि हम सभी नीचे चलते हैं, इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा। लेकिन फैसल तुम तो मुझे लैपटॉप पर कुछ दिखाने वाले थे ना? हाँ मैं वो बाद में दिखा दूंगा, अभी इंटरनेट भी नहीं चल रहा ना, इस वजह से। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हम भी नीचे ही आ रहे हैं अम्मी, बस। मामी को शायद तुम्हारी मेरी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी। Come on यार, ये तुम कैसी बातें कर रही? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी की नेचर, क्या जरूरत थी उनके सामने इतनी बेतकल्लुफी शो कराने की? फैसल, I'm really sorry, but देखो ना क्या हुआ, अम्मी के सामने इस तरह ये बात नहीं आनी चाहिए थी, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये बात पता चलती तो बेहतर था। ये उसी की तो शुरुआत है फैसल, अगर तुम्हारा इंतजार करती रही ना तो बस हो गया काम। अब मेरा ख्याल है कि नीचे चलते हैं, क्योंकि अम्मा के डर से तो तुमसे बात भी नहीं किया। सोनिया। मामा चले? हाँ चलते हैं। और मोइस, ये तुम अपनी नौकरी के बारे में क्यों नहीं सीरियस हो जाते हो? अच्छी नौकरी मुश्किल से मिलती है, ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़ो तुम अपनी। मैं तो सोच रही हूँ कि फैसल को भी कोई अच्छी सी बिजनेस करवा दूं, और अगर ये मान जाए तो मैं इसे बाहर भेजो। भाई को? हाँ क्यों नहीं। चलो अच्छा चलते हैं। अच्छा खुदा हाफिज़ सामना। खुदा हाफिज़ मामी। अब मैं जरा बाहर तक छोड़ के आ रहा हूँ। अम्मी क्या हो गया, आप यहाँ बैठी हुई हैं? मोइस यहाँ बैठो, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? अम्मी क्या हो गया, किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी पप्पो क्या साबित करना चाह रही थी, फैसल उनसे मिलने जाता है, लेकिन क्यों? अम्मी आप तो पप्पो की आदत को जानती हैं, हर चीज को बड़ा चढ़ा कर बोलना होता है। उन्होंने यूं ही कह दिया होगा। वो यूं ही मुझसे मिलने हो गई, यूं ही फैसल पर अपना ये जताने लगी। तुम्हारी माँ सादा जरूर है मोइस, मगर अंधी ने फैसल को और सोनिया को साथ खड़े हुए देखा था। मैं आप भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? क्या पूछूं मैं उससे, मेरा तो दिल दहल रहा है,
कहां से आ गई, कहां से आ गई ये मेरे बच्चों को मुझसे छीनने, मेरी सारी उम्र की कमाई लूटने, मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। रोएं तो मत, प्लीज। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं, मेरे ख्याल से मुझे आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या? भाई सोनिया को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। तुम घर पर हो? हाँ, लेकिन आप लोग कहाँ गए हुए थे? वो एक बहुत जरूरी काम से गए थे। जरूरी काम से? अरे बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर आई हूँ। क्या, मेरा रिश्ता? अरे कब से तो कह रही थी शादी कर लो, शादी कर लो, सुनते ही नहीं तुम तो मेरी बात। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरा रिश्ता इस तरह अचानक, मैं तो खुद आपसे बात करने ही वाला था। क्यों बेटे, मैं तुम्हारा रिश्ता तय नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारी लड़की है, तुम्हारी पसंद और तुम्हारे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक। मेरी पसंद? कभी कभी औलाद को खुद पता नहीं चलता कि उनकी पसंद, उनका मिजाज क्या है। हर चमकती हुई चीज को सोना समझ बैठते हैं। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि औलाद की असल पसंद क्या है। नवाल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं सच कह रही हूँ? मामी ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो कभी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी और फैसल की शादी अपनी मर्जी से करेंगी। मैं कुछ भी कर लूं, वो कभी कभी फैसल को मेरा नहीं होने देंगी। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं ऐसा कह सकती हूं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? बोलो। मामा, मुझे इतना दुख फैसल की मंगनी का सुनकर नहीं हुआ जितना मामी की बातों से हुआ। अगर माजी में आप लोगों के कुछ इख्तलाफात रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो मुझे क्यों सजा दे रही है? मुझे आमना से इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उसे अगर कुछ करना ही था तो बजाय इसे बातें सुनाने के अपने बेटे को बातें सुनाती ना, जिसने पहले तो जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया और अब पीछे हट रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं, और अगर अम्मी ने आपसे कुछ कहा है तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूं। घर जाकर उनसे पूछूंगा उन्होंने आखिर ऐसी बात की क्यों। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी? उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वरना एक बात बताओ, तुम्हारी मंगनी की खबर मुझ तक कैसे पहुंची? हाँ, तो और मैं अब क्या करूं? ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर आया हूं उनसे। तुम्हें अपनी माँ के पहलू में छुपने की जरूरत नहीं है, मर्द बन के फैसला करो और वरना भूल जाओ सोनिया को। बहुत रिश्ते हैं मेरी बेटी के लिए। आओ बेटा, बिस्मिल्लाह करके पहला कदम रखो। अरे एक सेकंड, अरे कुछ पानी तो लेकर आओ। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, ये बहुत पुरानी रस्म है, ये पानी मैं तुम दोनों के सर पे से वारूंगी और ये सारी बलाएं ले लेगा। ये लो भैया, ले जाओ। चलो आओ दुल्हन। जब वो जा रही थी तो क्यों नहीं बताया तुमने?
जी बेगम साहिबा, उन्होंने मुझे मना किया था। मना किया था? जाओ यहाँ से, फजूल की बातें आती है करनी। इतनी ढेर पैकिंग पड़ी हुई है और 100 फोन भी बंद कर दिया इस लड़की ने। क्या करूं मैं इसका? मम्मी अभी तो इतना कुछ खा कर आए हम, प्लीज अब रहने दीजिए इसको। रे? अब क्या कोई रसम भी ना करें? भाई, that's not fair. जिंदगी में चांस बार बार नहीं मिलता। चलो ये लो, दुल्हन को खिला। हेलो एवरीवन, मुबारक हो। भाई सब इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आफ्टर ऑल हमारा इतना करीबी ताल्लुक है, ऐसे अपनी दुल्हन के साथ अच्छे लग रहे हो। मैं तो बस ये देखने आई थी कि मामी की पसंदीदा बहू कैसी है। अब आ ही गई हो तो बैठ भी जा। कहाँ बैठूं? मेरी जगह तो फिल हो चुकी है। अरे come on यार, मजाक कर रही थी मैं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। सोनिया आप ही? वैसे कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, किसी और का मुकद्दर उनके नसीब में लिख दिया जाता है। एनीवेज चलती हूँ मैं, तुम दोनों खुश रहो। चलो लड़कियों, तुम दुल्हन को लेके कमरे में चलो। ये तुम्हारी रोनमाई का तोहफा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है। अम्मी ने बनवा ली थी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया नवाल। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना, बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में। शायद मैं तुम्हारी सारी तवक्कुआत पूरी ना कर सकूं, लेकिन इस घर में तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर करूंगा मैं। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, उसके बदले में तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पर मेरी अम्मी का, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तुम उन्हीं के साथ गुजारोगी और उन्हें उन्हें तुमसे बहुत तवक्कुआत है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। गुड। तुम्हारा पहला रिश्ता क्यों खत्म हुआ था? पहले से शादीशुदा थे तो उससे क्या फर्क पड़ता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में जो दाखिल होने वाला हो वो कहीं और इन्वॉल्व हो। ऐसे ही बात कर रहा हूं जनरली। ये तो बस नसीब की बात होती है। सही कहा तुमने, ये सब तो नसीब की बात होती है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं?
शादी की पहली रात कोई ऐसी बातें करता है। क्या हो गया तुम्हें सोनू? क्यों बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? कहा मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब करना ही छोड़ दिया है। वैसे बहुत नागवार गुजर रहा होगा ना इस वक्त दुल्हन के पास से उठना। बाय द वे तुम उसके सामने भी कॉल पिक कर सकते थे, क्योंकि जब हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं तो डरने की क्या बात है। काश तुमने अम्मी के बारे में उस दिन वो लफ्ज ना कहे होते। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत थी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो आज मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ। इस शर्मिंदगी के साथ कि मैंने एक गलत इंसान से मोहब्बत की। हकीकत तो ये थी कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। अगर खुदा हाफिज कहना ही था तो अच्छे तरीके से कहा होता। क्या फर्क पड़ता है जब ब्रेकअप हो ही गया है तो क्या अच्छा क्या बुरा। तुम्हारी बीवी को देखा था मैंने, बेचारी इतना भी नहीं जानती कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर आ रही, किसी की बीवी नहीं। तुमने फोन क्यों किया है? नहीं जानती। वापस कब आओगी? किसके लिए? तुम शादी कर लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी? तुम्हें आमिना ने फोन किया था? उनकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो मुझे फोन करें। मेरे दिल में जो आग चल रही है ना मामा, वो उनको भी जलाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही। उस औरत ने जो हमारे साथ किया है वो काबिले माफी नहीं। और मेरे दिल में लगी हुई आग तभी बुझेगी जब फैसल उनके सामने खड़ा होगा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही होगा। उन्होंने सोनिया अपरार को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था ना, अब भुगतना तो पड़ेगा। यकीनन। फौरन कह दो कि आप अपनी ससुराल जाने वाली सड़क पे, वरना अम्मी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। भाई मेरी बात कराओ। यार मेरे ज़हन से निकल गया था। क्या? ये भी कोई भूलने वाली बात है? वो मेरे खुदा भूल गया। वो लोग डिनर पे आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं खाना खा चुका हूँ, अब जाकर क्या करूंगा? तो अब अपनी बीवी को तो लेने जाए। अच्छा जा रहा हूँ यार। चलने देते ना आप। क्यों, तुम्हारी भी इस गाने से कोई खूबसूरत यादें वापस आए क्या? यही समझ लें। वैसे तो मैं इतने गाने नहीं सुनती, लेकिन ये निमरा का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। आइसक्रीम खाएं? इस वक्त आधी रात को सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? No problem. अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मुझे तो और बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे कहने पर वो सब भी छोड़ दोगी तुम? आप कहकर तो देखे, सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो नवाल? तुम मुझे ये शो करा रही हो कि मैं दिन को रात कहूंगा तो तुम रात कहोगी,
मैं तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहूंगा तो तुम कुएं में छलांग लगा दोगी, और ये सब कुछ करके तुम ये शो करा रही हो कि तुम मुझ पर बहुत निसार हो गई हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती, आप मेरे शौहर हैं, बस सिर्फ आपके साथ चलना चाहती हूँ। Come on, किसी को जिंदगी में यूं शामिल कर देने से दूसरों को निकाला नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है सब कुछ। ना तो ताल्लुक इतनी आसानी से भूले जाते हैं और ना भुलाए जाते हैं। खुदा की कसम फैसल, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे भुलाने की जरूरत पड़े। मैं तुम्हारी बात नहीं, देखो मैं समझता हूँ कि 4 साल के ताल्लुक को 4 दिनों में नहीं भुलाया जा सकता है। फैसल आप क्यों नहीं समझते हैं? इन 4 सालों में ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात, फिर इस ताल्लुक को मैं अपने सर पर कैसे सवार कर सकती हूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? आई मीन मुझे उठा दिया होता आपने, मैं आपकी तैयारी में कुछ हेल्प कर देती। पहली बार ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ, अपने काम खुद कर सकता हूँ। मैं नाश्ता बना दूँ? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली, अगर इतनी फिक्र थी मेरी तो सुबह उठ जाती, इसे दावे करने से कुछ नहीं होगा। आपने मुझे बताया तो था मगर। हाँ मगर शायद तुम्हारे जहन से निकल गया, तुम्हें याद नहीं रहा वगैरह वगैरह वगैरह। तुम जानती हो तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। भाई का हाल देख रहे? अभी तक नहीं आया, नवाल क्या सोचेगी? भाई का रवैया बहुत गलत है, शादी की है तो निभाएं तो सही। फोन मिलाओ।
अम्मी मैं बार बार फोन नहीं कर सकता, चिढ़ जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जरूरत थी आने की, रात भी बाहर ही गुजार लेते बरखुरदार। दिल तो यही चाह रहा था। देख रहे हो तुम इसे? अरे पहले भी क्या ये ऐसे ही था जैसा कि अब है? फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी दो। नहीं। तुम क्या आज सारा दिन कमरे में ही बंद थी? नहीं, आंटी के पास थी। तुम्हें तमीज नहीं है? हाँ, सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझती नहीं हो, इसलिए उन्हें आंटी कह रही, उन्हें अम्मी नहीं कह सकती तुम। ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें माँ ही समझती हूँ। कपड़े कौन से निकालूं? कोई जरूरत नहीं है मेरे कपड़े निकाल के देने की, मैं इस तरह के अपने काम खुद कर लूंगा। अगर तुम्हें ये नेकी करनी थी तो पहले कर दी होती। कपड़े निकाले क्यों नहीं? अब मैं खुद निकाल लूंगा। जाओ जाकर खाना निकालो। अब बहू कहाँ है? वो तो बाहर किसी से फोन पे बात कर रही है। सफाई हो गई सारी? जी हो गई। अरे बहन वो देखो कोने में कितना कचरा पड़ा है, ये सफाई होती है? इसे सफाई कहते हैं? ये देखो कितनी मट्टी, रगड़ के साफ करो इसे। हटा भी लो चीजों को जगह से, कोना रगड़ो ये अच्छे तरीके से पाया इसका। जी अम्मी। बहू कहाँ चली गई, किससे ऐसा फोन पे बात कर रही थी? पहले इनसे सफाई करवाया करो, ध्यान रखा करो। इन लोगों को क्या परवाह, इन्हें कोई दर्द थोड़ी होता है। चलो बीबी जाके उस कोने से साफ करो। अरे भाई ये नौकरों पे ऐसे घर अकेले नहीं छोड़ते, और ये तो अभी है भी नहीं, इसका कुछ भरोसा भी नहीं। थोड़ा नजर रखा करो, ऐसे थोड़ी के छोड़ दिया। तुम तो अल्लाह जाने अपनी चीजें लॉक रखती भी हो कि नहीं रखती, ऐसी खुली पड़ी रहती हैं। सारी चीजें लॉक्ड है हमें। ये देखो किस कदर मिट्टी, और तुम्हारे कमरे का तो फर्नीचर भी नया है, ना जाने क्या हाल होगा। मेरा फैसल इंतहाई नफासत पसंद लड़का है, वो तो ऐसी जगह बैठना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, इन चीजों का ध्यान रखो ताकि उसका दिल लगे। ऐसे किसका फोन आ गया था इस वक्त? फैसल का। अम्मी अभी तो गया है वो, जाते ही तुम्हें फोन खड़का दिया। उसका दिल नहीं लगता क्या तुम्हारे बगैर? नहीं, वो एक्चुअली उनकी किसी क्लाइंट ने उनको आज डिनर पे इनवाइट किया है, तो मुझे कह रहे थे कि तैयार रहना। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, वरना शादी के बाद जैसे वो हर दावत को टाल मटोल कर रहा था मैं तो घबरा गई थी। अब अच्छे से तैयार हो जाना, और वक्त पर तैयार होना ताकि वो खुश होकर जाए। ठीक है जी। इसे सफाई करवाओ सही से, और अपने कमरे की भी सही से करवाना। शाबाश। वहां बहुत गैदरिंग होगी ना? हाँ जाहिर है गैदरिंग तो होगी। असल मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हूँ। फैसल आप ना वहाँ मेरे साथ रहिएगा, मैं कभी इस तरह किसी गैदरिंग में नहीं गई ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ओके? खुदा की कसम फैसल,
मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे भुलाने की जरूरत पड़े। फैसल आप क्यों नहीं समझते? इन चार सालों में ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात, फिर इस ताल्लुक को मैं अपने सर पर कैसे सवार कर सकती हूँ? नवाल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना, बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में। मामा, मैंने कब किसी को तंग किया है? मैं तो खुद हार मानकर यहाँ आ गई। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, मुझे अकेला किया, वो तो अपनी जिंदगी में मगन है, खुशबाश है। आपने उसकी बीवी को देखा? मुझे क्या जरूरत है उसे देखने की? और ये बच्चों वाली बातें खत्म करो सोनिया, वो तो अपनी जिंदगी मजे में शुरू कर चुका है। और तुम? मामा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, प्लीज। लेकिन मैं तो खुश नहीं, मैं यहाँ अकेली क्या करूँ, इतने बड़े घर में पागलों की तरह फिरती रहती हूँ। तो आप ही यहाँ आ जाए ना। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे मौसम नहीं सूट करता वहाँ का, और फिर ये सब कुछ कैसे छोड़ छाड़ के आ जाऊँ? तुमने तो अपनी माँ से मुंह फेर लिया उस फैसल और आमना की वजह से। तुम्हारे काबिल नहीं है वो लोग। मामा प्लीज, मैं तंग आ चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और इस शिकस्त को कबूल करने के लिए। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हूँ। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस कि उसने मुझे यानी सोनिया अब्रार को ठुकरा दिया। मैं रिलैक्स सोनिया। बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर डिस्टर्ब किया। ठीक है, तुम कुछ वक्त ले लो, मगर जल्दी लौट आओ बेटा। जी मामा। ओके। एक बार सोनिया वापस आ जाए, मैं इसकी ऐसी जगह शादी करवाऊंगी कि ये फैसल को भूल जाएगी। निम्रा ठीक ही कहती है, बचे हुए चेहरों को कौन मोहब्बत से देखता है। शाबाश, मतलब आफरीन ही है तुम पर। अम्मी नीचे किचन में अकेली काम कर रही हैं, तुम यहाँ बैठी शीशे के सामने क्या कर रही हो? बस अभी कमरे में आई हूँ। जाओ यार नीचे जाओ, जाकर अम्मी का हाथ बटाओ किचन में, जो तुम्हारा काम है वो करो। एक बात बताओ मुझे, तुम कहीं जा रही हो? कोई घर पे आ रहा है मिलने के लिए, कोई फ्रेंड्स वगैरह, कोई फैमिली मेंबर? फिर इतना मेकअप क्यों किया हुआ तुमने? बस यूं ही आपकी खातिर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ नीचे जाओ, जाके अम्मी का हाथ बटाओ। ठीक। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सब कुछ होने के बावजूद तुम हर वक्त यूं रोती क्यों रहती हो? आखिर तुम्हारा मसला है क्या? मुझे एक दफा बताओ तो सही। आप नहीं है मेरे पास। क्या चाहती हो? आखिर क्या चाहती हो? मैं सारे काम छोड़ दूं, सारा दिन तुम्हारे घुटनों के साथ लगकर यूं बैठा रहा करूं? आप क्या घुटने से लगेंगे?
कभी नजर भर कर आपने मुझे देखा भी नहीं। एक ही कमरे में हम दोनों अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैंने किया क्या है, कसूर क्या है मेरा? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आपकी मर्जी के बगैर हुई है ये शादी? बकवास बंद करो, जुबान चलाने वाली औरतें मुझे जहर लगती हैं। I hate them। फैसल, ये क्या हो रहा है? पूछिए ना, अपनी बहू से पूछिए कि क्या हो रहा है। इतनी देर से अपने शौहर से बदतमीजी कर रही हैं, ये आप पूछिए क्या हो रहा है? मैं बदतमीजी नहीं कर रही अम्मी, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मेरी मोहब्बत, खिदमत, अताअत में कुछ कमी रह गई है क्या? ये मेरे साथ इतना बेगानों जैसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? नहीं, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इसे ले जाइए मेरी नजरों के सामने से। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ले जाइए इसको। कि क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कहाँ लेके जाऊं मैं उसे? तुम दोनों का आपस का मामला है, इससे मेरा क्या ताल्लुक? आपस का झगड़ा? आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप भूल रही हैं, शायद भूल रही हैं कि आप ही की वजह से आज ये औरत इस घर में खड़ी है। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। ये क्या किस्से लेकर बैठ गए फैसल? मेरे लिए किस्सा पुराना नहीं है अम्मी। अगर आपने उस वक्त सोनिया की मुखालिफत ना की होती तो आज इसकी जगह सोनिया होती। मैं सोनिया को कभी इस घर की बहू ना बनने देती। आप भी एक बात याद रखिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं कभी भी इसको सोनिया की जगह नहीं लेने दूंगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, मैं सोनिया को नहीं भूलूंगा, याद रखिएगा। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ। एक तरफ आपकी बेरुखी और दूसरी तरफ अम्मी की बेवजह की नाराजगी। एक ना एक दिन भाभी के साथ तो ये होना ही था ना। ले आए ना आप लोगों ने अस्पताल। आपको कोई हक नहीं एक मासूम लड़की को इस तरह टॉर्चर करने का। अगर आप सोनिया को बुला नहीं सकते थे तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सोनिया के ना करने का बदला आप भाभी से कैसे ले सकते? मैं आपको इतना जालिम नहीं समझता था। Enough। अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। लिमिट्स आपने क्रॉस की हैं। रिश्तों का कोई तकद्दस होता है, कोई एहतराम होता है। नवाल भाभी क्या क्या ख्वाब लेके आई थी आपकी जिंदगी में? गलती आपकी थी, अम्मी की थी, सजा इनको क्यों मिल रही है? बहुत पछताएंगे आप। नवाल भाभी जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। बस करो मोइस, ये हॉस्पिटल है। आप बस करें, अगर उनके हुकूक पूरे नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ देना। क्यों खामखा गुनहगार हो रहे हैं? क्योंकि उनके मामले में आपने खुदा को जवाब देना है, मैंने नहीं। जो रिश्ता नहीं निभा सकता मेरे नजदीक वो इंसान बेकार है। जब मैं टाल रही थी तो मैं क्या जरूरत थी बीच में दखल अंदाजी की? मेरे होते हुए तुम फैसले करोगे? अच्छा है अम्मी, कुछ दिन सुकून से गुजार लेंगे। आंख से ओझल होंगी ना तो शायद किसी को उनकी कदर हो। अगर बहू ने सारी बातें अपने घर में बता दी तो फैसले भी हद कर दी।
एक एक बात खोलकर बता दी उसे। अच्छा किया, इस तरह उन्हें फैसला करने में आसानी हो जाएगी। फैसला करना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पहली शादी होते होते रह गई हो। मसला तो नवाल की जिंदगी का भी था ना। आप प्रोफेसर साहब को जानती नहीं हैं, हक पर डट जाए ना तो नफा और नुकसान नहीं सोचते। वैसे भी अनमोल चीज बिन मांगे मिल जाए ना तो इंसान उसे बेमोल ही करता है। वो तो यहाँ होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास न दिला सकी, अब शायद वहां रहे तो उनकी ना मौजूदगी का यहाँ एहसास हो। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? मुझे छोड़, ये सोचे अगर भाभी वापस ना आई तो क्या आप सोनिया को बयाने जाएंगे? अल्लाह ना करे। ठीक ही तो कहता है, मैं सोनिया का गुस्सा नवाल पर क्यों उतारता? वो जितना मेरे करीब आने की कोशिश करती है मैं उतना ही उससे दूर भागता। सोनिया जा चुकी है और नवाल मेरी जिंदगी में शामिल है, तो मैं तस्लीम क्यों नहीं कर रहा? मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कुछ भी हो, वो मेरी बीवी है, मेरा और उस घर का ख्याल रखती है। वो सोनिया की जगह नहीं ले सकती मेरे दिल में, ना सही, मेरी जिंदगी में तो एक मकाम रखती है। पला रह रही थी, आदत ही कहां रही है मुझे काम की, पता नहीं कब आएगी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटे? जी। बहुत देर लगा दी आज? आज ही बस वो ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था। अच्छा, मैं तो समझी तुम नवाल को लेने के लिए गए हो। वो खाने में क्या बनाया आपने आज? भाई मेरी तो कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, दाल चावल पड़े, कहो तो गरम कर दूं। कर दीजिए, मैं चेंज करके आता हूं। ओह माय गॉड, क्या 1000 दफा समझाई एक बात लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। जाऊं किधर जाऊं, क्या करूं? क्या हुआ भाई? यार मुझे एक बात बताओ, क्या नवाल के आने से पहले हमारे घर में कोई काम नहीं होता था क्या? ये क्या गन मचा रखा है उसने? अब अंदर की अलमारी देखो, सारी अलमारी पे उसने कब्जा कर लिया है, हर जगह उसी के कपड़े, अपने कपड़े कहां रखो भाई? अभी तो उन्होंने आपके दिल पे भी कब्जा कर लिया। यार राइट, तुम इतनी उसकी साइड लेते हो ना, जाकर मेरी अलमारी सेटल करके दो मुझे। ये कब लिया आपने? सारे कपड़े मेरे पहन लेता है, इनको कहीं छुपाना पड़ेगा। फिर आ गए तुम, मेरी पैंट, मेरी पैंट। अपने दामाद की जबानी सुनना बहुत तकलीफ दा है, लेकिन ये बातें मेरे नजदीक कोई माने नहीं रखती, क्योंकि जो बीत गया वो माजी है और इंसान माजी में नहीं जी सकता। बेटे ये बात तुम्हें भी समझना होगी कि जो लोग माजी में जीते वो जिंदगी में कभी नए रिश्ते उस्तवार नहीं कर सकते, अगर कर भी ले तो ना खुश रह सकते हैं दूसरे को खुश रख सकते। जी अंकल, मैं मुझे अपनी गलती का एहसास है। अच्छी बात है, अपनी गलती का एहसास होना
इस्लाह की तरफ पहला कदम होता है। मेरी बेटी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये घर इसका है, मैं अगर चाहूं तो अपनी बेटी को कभी ऐसे शख्स के साथ रुखसत न करूं जो उसे खुश न रख सके। लेकिन बेटियां अपने घर में बसी हुई अच्छी लगती हैं। क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा कभी इसे तकलीफ नहीं होने दोगे? जी अंकल, मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद नवाल को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जा बेटा, जाने की तैयारी करो। जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गैर मुनासिब रवैया रखा, लेकिन यकीन करो ये सिर्फ मेरे अंदर का गुस्सा था जो मैं जाने अनजाने तुम पर निकाल रहा था। लेकिन मेरा क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ है जब तुम नहीं थे यहां पर, तुम्हारे जाने के बाद। क्या इस बात का एहसास आपको हर बार मेरे जाने के बाद ही होगा? हरगिज नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे मेरी तमाम कोताहियों और बुराइयों के साथ भी कबूल करोगी। और हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे एक साथ। आप उसे भूल पाएंगे? उसे तुम्हें कब का भूल गया? इस पूरे अरसे में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है नवाल। मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर सिर्फ तुम रही हो और कोई नहीं। फैसल, I'm expecting. क्या? Oh my God, तुम सच कह रही हो क्या? जी, मैं नहीं चाहती ये बच्चा आपकी मजबूरी बने। तब आप मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए लौट कर आते और मुझे अपना आप बेवकूफ लगता। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे और ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। हम तीनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सुनो, तुम्हें भूख तो लग रही होगी, है ना? I'm fine. I know. मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर हो, ठीक है? It's okay. अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ, वेट कर, मैं आता हूँ। Thank you.
रियली सॉरी, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम सारी रात दर्द से कराहती रही हो। नहीं, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। अरे नहीं, नाश्ता लेटी रहो, मुझे मैं नाश्ता कर लूंगा, तुम आराम करो, लेटी रहो। और सुनो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो, इस तरह तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनफैक्ट मैं अभी ये सोच रहा था कि हमारे रूम में एक फ्रिज रखवा दूं, ताकि तुम्हें कुछ भी खाना पीना हो तो उसके लिए नीचे ना जाना पड़े। अमाल, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम प्लीज आराम करो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। जी। फैसल जी, नाश्ता नहीं करोगे? नवाल कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा मैं दफ्तर जाके नाश्ता कर लूंगा। चलो, उसकी तबीयत खराब थी, माँ तो अभी जिंदा है ना, मैं बनाती हूँ नाश्ता, रुक जा। अरे नहीं अम्मी, रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या खाली पेट जाओगे ऑफिस? खाली पेट की बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, दफ्तर जाकर कुछ खा लूंगा। आप बस एक दफा उसको देख लीजिएगा। खुदा हाफिज। लो भाई, उम्मीद से हुई नहीं कि लेट गई बिस्तर पर। आगे का वक्त पता नहीं कैसे गुजरेगा। मेरा बच्चा तो चला गया ना भूखा प्यासा दफ्तर, खाक कमाएगा। अल्लाह ने मौका दे दिया नखरे उठवाने का, अब उठवाएंगी नखरे, उठवाओ। जाकर देखूं अब ऊपर। फैसल का रवैया क्या बदला? लगता है जिंदगी बदल गई। काश उनकी मोहब्बत मेरे लिए इसी तरह बरकरार रहे। आई अम्मी। फैसल बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी, वैसे मुझे तो ठीक ही लग रही है। वो बस चक्कर आ रहे थे। भाई ऐसी हालत में ऐसा तो होता है, कभी लगेगा चक्कर आ रहे हैं, कभी लगेगा कमजोरी हो रही है। अगर पड़े पड़े ऐसे सोचती रहोगी तो और ज्यादा एहसास होगा। लेटी रहो, आराम करो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब देखो फैसल बगैर नाश्ते के चला गया। हमारा जमाना और था, उस वक्त अगर ये भूखा चला जाए तो पूरा दिन हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता था। नया दौर है, नए चलन है, हम कुछ कहकर क्यों बुरे बने भाई। मैंने फैसल से कहा था कि मैं नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ भाई, ये तो है, मेरे बच्चे बहुत ही साबिर हैं, बहुत साबिर, मगर तुम थोड़ी तवज्जो दो उस पर। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे उसके ताल्लुकात बेहतर होंगे। उसको छोड़ने दरवाजे तक जाया करो, उसके थोड़े आराम सकून का ख्याल रखो, ताकि वो तुम्हारे साथ ऐसा ही रहे। ऐसे रहम दिलाने वाले तरीके से पड़ी मत रहा करो, थोड़ी हिम्मत करो। बीवी तो वही होती है जो अपनी जान पर खेल कर अपने शौहर की परवाह करे, उसकी फिक्र करे, उसकी खिदमत करे। मेरा बच्चा भूखा चला गया, मेरे हलक से तो निवाला उतरेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी भाई। ज़्यादा कुछ कहूँगी तो फिर तुम दिल ही दिल में बोलोगी, सास इस हालत में भी काम करने को कहती हैं। मैं ख्याल रखूँगी अंदा।
तुम आराम करो, मैं नाश्ता भेजती हूँ। अरे भाई, ये बिला वजह डॉक्टर की फीसें भरना, वक्त का और पैसे का ज़िया करना, इसकी क्या ज़रूरत है? डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो कहेंगे, वो क्यों नहीं कहेंगे भाई, वो तो कहेंगे, उन्हें फीसें जो बनानी है अपनी। डॉक्टरों की फीसें अलग, अल्ट्रासाउंड के पैसे अलग। अरे पता भी है ये अल्ट्रासाउंड की लहरें कितनी ख़तरनाक होती हैं बच्चे के लिए। हकीम साहब बता रहे थे कि वो पिछले मोहल्ले में जो खातून रहती हैं ना, उनकी बहू भागे दौड़े जाती थी अल्ट्रासाउंड करवाने, बच्चे का दिमाग ही चलना बंद हो गया। ना बाबा ना, मैं ये जुल्म अपने पोता पोती के साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बता देना, दिखा देंगे डॉक्टर को। बिला वजह ऐसे फीसें भरना और वक्त जाया करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फैसल ने कहा था कि अरे फैसल को क्या पता, वो तो पागल है, उसने कितने बच्चे पैदा किए, मैं बताऊँगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह डॉक्टरों के पास जाने की, समझी? मोइस कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है, पहले तो आते जाते बताता था कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, अब तो सारी राजदारियाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी से होती हैं उसकी। वो अपनी सोलो एग्जीबिशन में गया है। तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैंने मना कर दिया था। अरे जब कोई मसला ही नहीं तो डॉक्टरों की फीसें भरने का क्या फायदा, कोई मसला होगा तो मैं खुद ले जाऊंगी। ठीक, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। तुम फिक्र ना करो, इसका ख्याल करने के लिए मैं हूँ ना। भाई जब तुम पैदा होने वाले थे तो तुम्हारे अब्बा तो जाकर मर्दाने में सो जाते थे, तुम्हारी दादी मेरे साथ सोती थी, वो ठहरी पुराने जमाने की खातून, उनकी अपनी मसलहतें थी, अपने तजुर्बे थे। मैंने भी कभी कोई एतराज नहीं किया, बड़ों के तजुर्बे का कहाँ कोई मुकाबला है भला। आज हकीम साहब एक माजून बना कर लाएंगे, इंतहाई कवि और ताकत बख्श है, बस तुम वो खाना, बल्कि रहने दो मैं खुद खिलाऊंगी तुमको, क्या पता भूल जाओ। तुम क्या बता रही थी, कौन सी डॉक्टर के पास नाम लिखवाया? डॉक्टर आयशा अली। आय हाय, क्या कर दिया तुमने भाई, पता भी है वो इस शहर की सबसे महंगी डॉक्टर है। अरे मैंने तो सुना है 50,000 रुपए ली थी वो आम डिलीवरी के, और अगर ऑपरेशन पर नौबत चली गई तो बात तो लाखों में चली जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, मगर तुम्हारा पैसा है संभाल के रखो, कल को बच्चों के काम आएगा। बच्चों का क्या है, बच्चे तो घर पे भी पैदा हो जाते हैं। अब तुम दोनों की दफा कौन मुझे अस्पताल लेकर भागा था? सालन ठंडा हो रहा है, मैं गर्म करके लाती हूँ। अब मेरी बात बुरी लगी होगी तुमको, तभी तो ऐसे उठ के जा रही हो। सुनो तुम जाओ खाना गरम करके लाओ। और अम्मी जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे, अभी इस बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। फैसल, हम्म, ये देखिए कितना क्यूट है ना। अरे तुम मेरे होते हुए किसको क्यूट कह रही हो? गॉड, अरे हाँ यार अच्छा है। और ये? हाँ ये भी बहुत क्यूट है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये सारे कॉर्ड्स बनवाने का इरादा किया हुआ है क्या? नहीं अभी तो डिसाइड ही नहीं किया। अच्छा सुनो, तुम्हारे पैरों की स्वेलिंग ठीक हुई है क्या? ठीक। मुझे लगता है तुम अपने खाने पीने का कुछ खास ख्याल नहीं रख रही हो, और फ्रूट्स वगैरह तो नहीं खा रही ना तुम? प्लीज यार अटेंशन दो इस चीज को। ख्याल रख रही हूँ अपना। नवाल तुम खुश तो हो? मैं बहुत खुश हूँ फैसल, आपकी जरा सी तवज्जो अम्मी की सारी जातियां बुला देती है।
देखो अगर कोई मसला है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर तवज्जो एक तरफ और माँ की मोहब्बत एक तरफ। मैं नहीं चाहती अम्मी के खिलाफ मेरी शिकायतें सुनकर आप फिर से मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि माँ का झूठ भी औलाद को सच ही लगता है। हेलो, कहाँ खो गई? मम्मी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? जी बहुत ख्याल रखती हैं। तो फिर तुम चुप चुप क्यों रहती हो? मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, या शायद आपको सामने बिठाकर आप ही को सोचने की आदत पड़ गई है। नवाल तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? तुम्हारे दिल में जो भी आता है तुम मुझे बता सकती हो, और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि मैं तुम्हारी बात को समझूंगा। बात किया करो मुझसे। जी। अरे 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 कौन हो तुम लोग, कहां घुसे चले आ रहे हो? अरे अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को मैंने बुलवाया है, नवाल ने कोर्ट मंगवाया था। कोर्ट मंगाया था? कोर्ट की क्या जरूरत भाई? यार ये सामने सीधे हाथ पे कमरा, वहां पर रख दो। आइए। सही है भाई, जो दिल में आए करो, हमसे पूछने वाला होता। अब ये कौन है? ये नूर बीबी है, मेरे दोस्त की तरफ काम करती थी तो मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई, उसने मेरे साथ भेज दिया। कैसी मजबूरी? अमीन नवाल इस हालत में ज्यादा काम काज नहीं कर सकती ना, तो नूर बीबी के आने से उनकी हेल्प हो जाएगी, और नूर बीबी को वैसे बच्चे संभालने का भी बहुत अच्छा तजर्बा है। बेगम साहिबा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, लेकिन अभी तो काफी टाइम है, आप इतने जल्दी क्यों लेके आ गए? तुम इसे इतने इनामाक से देख रही थी, इतने शौक से देख रही थी, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज किया जाए। तुम बहुत अच्छी हो नवाल। थैंक यू। साथ की हुई हर ज्यादती की तलाफी करना चाहता हूं। मैं सब कुछ भूल चुकी हूं फैसल। मैं भी यही चाहता। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा था कि हमारा बेबी जब भी आएगा इंशाल्लाह तो वो इस कॉट में कितना अच्छा लगेगा, क्यूट सा। तुम कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। तुम वापस कब आई? मैं गई कब थी?
चलो अच्छा है, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में सेट हो गए। फेसबुक पे देखी थी मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट की पिक्चर्स। तुम्हारे लिए ही तो लगाई थी। अच्छा, आखिरकार तुमने भी अपनी जिंदगी के फैसले कर लिए। बिल्कुल, तुम शादी कर सकते हो, मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकती। अच्छी बात है। वैसे भी जब रास्ते बदल गए हों तो फैसले भी बदल जाने चाहिए। माना कि हमारा रिलेशनशिप किसी अच्छे मोड़ पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे दरमियान कजनशिप तो है ना, हम हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह मिल सकते हैं। Really? बिल्कुल। Okay, see you. Yeah, sure. Happy birthday. Thank you. तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे निम्रा ने बताया था कि तुम्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, लेकिन पहनती हो नहीं। अब पहनूंगी। तुम मेरे साथ खुश तो? बहुत खुश हूं। और माजी तुम्हें तंग तो नहीं करता? मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे तंग करे। मेरा माजी मुस्तकबिल हाल सब आपसे मुंसलिक है। पहनाएंगे आप? हाँ, श्योर, क्यों नहीं। माय गॉड, मैं भूल ही गया, मैं जब ये तुम्हारे लिए लेकर निकल रहा था तो ये मेरे हाथों से गिर गया और टूट गया। कोई बात नहीं, कुछ और पहन लूंगी। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं अभी आधे घंटे में चेंज करवा के लाता। नहीं, पहली बार आप मेरे लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं, मैं नहीं चाहती कि आप इसे चेंज करें। जब टाइम मिले तो आप इसको ठीक करा दीजिएगा, अभी बहुत देर हो गई है। I'm really sorry, नवाल, मैं पता नहीं कैसे ये मुझे बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मेरा हार सिंघार सब आप हैं, सेवर नहीं। मैं घर की तरफ मुड़ा हूं बेटा, खाना लगवा लो तुम। मम्मी, फैसल अभी तक उठे नहीं है, हॉस्पिटल नाश्ता लेकर जाना है। अरे बेटा, वो रात को सोया भी तो देर से था ना। आप भी नाश्ता कर लें, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं नाश्ता खुद ही कर लूंगी, तुम जाओ। बस वहां जाते ही मोइज को भेज देना, पता नहीं रात भी बेचारे की कैसे कटी होगी, कुछ ढंग से खाया होगा या नहीं खाया होगा। फैसल को तो मैंने ऐसे ही जरा सा ऑमलेट बनाकर दे दिया था। अम्मी, अब्बा का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, खाने की किसको पड़ी थी? बुरा नहीं मानना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, जाहिर बात है मैं तो माँ हूँ, मेरे दिल को तो लगेगी। हाँ, इसी दिन के लिए कहते हैं, औलाद नरीना कितनी जरूरी है। अब देखो ना, अगर कोई बेटा होता तो बाप की पट्टी से लगा बैठा होता,
अगर मोइज ना होता तो कितनी परेशानी होती। वो भी वही कुछ करता जो निमरा कर रही है। अरे नहीं बहू, बहुत फर्क होता है बेटे में और बेटी में। दुनिया ऐसे पागल तो नहीं ना कि बेटे की दुआएं करती है। मैं तो रब्बे पाक से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे फैसल को भी पहले पहल औलाद नरीना से नवाजना। अच्छा है फैसल का बाजू बने वो। निमरा की कॉल है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। हाँ बोलो निमरा। अरे दुल्हन क्या हो गया? अब्बा, अब्बा नहीं रहे। बेटे हंसना, बेटे खुद को संभालो नवाज। अरे सोनिया तुम क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे? हाँ वो इस तरह ऑफिस में, हाँ ऑफिस टाइमिंग खत्म होने वाली थी, अब तुम्हें तो मेरी याद आएगी, सोचो नहीं मिलाऊं जाके। तो फिर कहीं बाहर चले या घर पर बीवी इंतजार कर रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलते। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें ये जगह, ये मंजर बहुत पसंद है। भूले नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की मगर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर करते रहे। हाल के फादर की डेथ हो गई थी इस वजह से। तो अपनी बीवी की दिलजोई में बिजी थे। तुम्हारा मंगेतर कैसा? वैसा ही जैसे सारे लोग होते हैं। कोई भी हो, जब तुम नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे तुमने प्रेशर में आकर शादी कर ली थी, ऐसे मैंने मंगनी कर ली। बहुत वक्त गुजर गया है, हमें आगे देखना चाहिए। आगे ही देख रही हूँ। बहुत कम वक्त के लिए पाकिस्तान आई, अगर हो सके तो कभी कभार मिल लिया करें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हाँ अगर तुम्हें अपनी बीवी से डर ना लगता हो तो। किडिंग यार। वैसे एक बात पूछूं, कभी उसे देखकर मैं याद आई? क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? कम ऑन, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। सोनिया। हेलो मामा। वक्त देखो, कब से निकली हुई हो, कहाँ गई थी तुम? मैं फैसल के साथ थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, फैसल से क्यों मिली? कम ऑन मामा, वो मेरा कजिन भी है, अगर रास्ते में मुलाकात हो जाएगी तो इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया भूल गई हो क्या? नहीं मामा, मैं कुछ नहीं भूली।
मैं तो उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि उसने क्या खोया है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। हाँ तो उसकी भी शादी हो गई है। डोंट वरी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ठीक है, ये 2 माह आप मुझे मेरी मर्जी से गुजारने दें। एंड फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। और जानती हो, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा बाप तुम्हें आग कर देगा। जानती हूँ मैं। अब प्लीज अच्छी सी कॉफी पिला दे, मैं चेंज करके आ रही हूँ, खाना मैंने खा लिया। ओके पानी। थैंक यू। आप लेट हो गए हैं, खाना भी बाहर खा कर आए हैं। आपकी फरमाइश पे मैंने खीर बनाई थी। हाँ, बस एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बन गया था। आप प्लीज नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया करें, अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। तुम नहीं होती। होती हूँ। कभी उसे देखकर मैं याद आई, क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? मेरी बात सुनो, ये क्या होलिया मनाया हुआ है तुमने? अपना रंग देखो, कितना जर्द पड़ रहा है। रौनक ही नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। इतना ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? अब इस हालत में ये तो होगा, बाद में देखिएगा। मैं पहले जैसी नवाल बन जाऊंगी। आज आप जल्दी आएंगे? क्यों भाई? ऐसे हर रोज आप देर से आते हैं ना, और खाना भी बाहर खाते हैं। अब खास वजह नहीं है इसकी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन की दिलजोई में मसरूफ होती हो और मुझे कहां मिस करती होगी। तो इसीलिए सोचता हूँ थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों को दे दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जगह कौन ले सकता है? कोई भी नहीं। आप जल्दी आएंगे ना? मैं खाने में कुछ अच्छा बनाऊंगी आज। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूंगा, बिना वजह अपने आप को थकाना नहीं। आपके काम करते हुए मैं नहीं थकती। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूँ। ओके, खुदा हाफिज़। आज तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जा सकूंगा, मुझे घर जाना। 2-4 बार घर से बाहर डिनर कर लिया तो बीवी ने क्लास ले ली क्या? ऐसी बात नहीं है। I'm just kidding यार। लंच करोगे मेरे साथ? नहीं सोनिया मैम। देखो फैज़, मेरे जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ खुशगवार यादों को जमा करना चाहती हूँ। फिर मिसेस सरफराज बनने के बाद तो ठीक है। ओके, थैंक यू एंड आई एम वेटिंग। मैंने सोचा पूछ लूं, घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है। वैसे अब मैं तुम्हें मिलने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। सोनिया वैसे तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? पहले कभी तुम मुझसे नाराज होती थी तो हमेशा मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता था, लेकिन अब तो तुम कॉल बैक करती हो। वो वक्त गुजर गया फैसल, अब रूठने मनाने के मौसम हमारे दरमियान में है। कल मिलोगी?
नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम वाकई बदल गई हो। बदल तो गई हूँ, मगर अब कोई फायदा नहीं। वक्त ने सिखाया भी तो उस वक्त जब सारे नुकसान उठा चुकी थी। एनीवे, अब मैं फोन बंद करती हूँ। तुम्हारे अपने भी कुछ प्लान्स होंगे। आफ्टरऑल छुट्टी का दिन है। नहीं यार, मेरे क्या प्लान्स हैं? कमरे में हूँ, आराम करूँगा। क्यों? नवाल कहाँ है? किचन में होगी। ओह, यानी तुम्हारे मैदे के जरिए दिल तक पहुँचने का रास्ता बना रही है। Come on, इंतहाई फजूल बात है, मैं नहीं मानता इसे। मुझे भी लगती है, मोहब्बत तो नजर से दिल तक के सफर का नाम है। ये मैदा बीच में कहाँ से आ जाता है? एनीवेज, आज मूवी देखने चले, चाहो तो नवाल को भी साथ ले लो। अब इस हालत में नवाल तो साथ जाएगी नहीं है। अम्मी उसे जाने नहीं देंगी, घर से बाहर निकलने नहीं देती उसे आज। मैं और तुम ही चलते। ओके। अरे मोइज जनाब, आप कैसे आज हमारे कमरे का रुख कर गए? मैं तो आपका कल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे पास आएंगे। अच्छा, वो किस लिए? अब वो बात भी मैं आपको याद दिलाऊं? अच्छा वो, आप कम ऑन यार, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसकी क्लैरिफिकेशंस में आकर घर में सबको देता। कजन है मेरी, इत्तेफाकन मिल गई तो हमने इकट्ठे लंच कर लिया। आई होप कि ये आपका पहला और आखिरी लंच हो। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें हजार बार कहा है मैंने कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी देना बंद कर दो। नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैं भाभी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। वो एक बहुत नेक और प्यारी खातून है जो आपसे बहुत टूट कर प्यार करती है, और आपकी बेवफाई उन्हें मार डाली। कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। कयामत तो तब आएगी जब अम्मी को मालूम पड़ेगा। अच्छा, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स मीस। मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निम्रा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो। तब कयामत तुम पर भी टूटेगी और निम्रा पर भी। और दुख वो तो तब भी नवाल को मिलेगा। ठीक है, मैं 10 मिनट में चेंज कर लेती हूँ। इवन आज मेरे फियांसी आ रहे हैं, मगर तुमने कहा है तो इनकार तो नहीं कर सकती ना। तुम आग से खेल रही हो सोनिया। मामा प्लीज, मैंने तुम्हें लाड प्यार से पाला, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब हरकतें करती फिरो। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले पूरी की है। मगर मैंने ऐसा किया क्या है? एक तरफ तुम्हारा मंगेतर और दूसरी तरफ फैसल, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक शरीफ घराने की तुम इज्जतदार लड़की हो। तुमने जब फैसल को पसंद किया, मैंने तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट की। इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब करती फिरो। अगर तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया तो जानती हो उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? फैसल मर्द है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम बदनाम हो जाओगी। मां हूं तुम्हारी, इसलिए समझाती हूं तुम्हें। बेगम साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। वो फैसल ने आना था, जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो रास्ते में था। नहीं, वो नहीं है। तो फिर कौन आ गया? नाम पता तो पूछ लिया करो। बेगम साहिबा, मोइज साहब आए।
ये तुम क्या कह रही हो? बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा फैसल। मैंने क्या किया है? कभी तो मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ किया, या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे दोबारा ताल्लुक बनाना चाहती हूँ? बोलो। तो फिर मोइस को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरे घर आकर मामा के सामने मुझे इस तरह से जलील करे? मुझे मोइस से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा तुम्हारे साथ खाना खा लेना इतना बड़ा जुर्म था? बोलो। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, फिर भी चैन नहीं मिला? इतना दुख तो उस वक्त नहीं हुआ था फैसल, जब तुमने मुझे ठुकराया था। सोनिया, तुम प्लीज रो तो नहीं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं फैसल, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सारा कसूर मेरा था, सारी गलती मेरी थी। मुझे अपनी तमाम लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, मुझे उससे बात करनी होगी। रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो वैसे भी चंद दिन की मेहमान हूँ, फिर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस दुख तो इस बात का है कि मैं खुशगवार यादें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर एक बार फिर दुख ही मेरा हमसफर बना। अम्मी, वो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ निम्रा के साथ। क्या तुम पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? मैं तो बस रहने दो। बहन को यही बताया होगा ना कि हमारी सास तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती। नहीं, वो निम्रा को लगता है मैं वीक हो गई हूँ, इसीलिए बस डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही है। कमजोर हो गई हो? क्यों भाई, सब कुछ तो खाने को है, किसी बात की रोक टोक है तुम्हें? किस चीज की कमी है? पूरा बावर्ची खाना तुम्हारे हवाले है, जो चाहे पकाओ, जो चाहे खाओ। मगर नहीं, सास कितनी भी अच्छी हो, कितना भी ख्याल कर ले, रहेगी तो वो बुरी की बुरी। कैसी कैसी बढ़िया माजूने और खमीरे मैंने तुम्हें हकीम साहब से बनवा कर दिए, मगर हराम है कि तुमने खाया हो। अब अगर ना खाओ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अभी मैं तो यहाँ सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली निम्रा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखती है। एक डॉक्टर है ना, इसीलिए अपने आप को मुतमईन करने के लिए मुझे ले जाना चाह रही है। लो भाई, ये भी अच्छी रही। जाओ, जाके करो अपनी बहन की तसल्ली, करो उसे मुतमईन। लुटाओ मेरे बेटे का पैसा, लुटा दो अपने मियाँ का पैसा, जाकर खाओ अस्पतालों के धक्के, डॉक्टरों के धक्के, या फिर जाकर घूमो बाजारों में अस्पताल के नाम पर। मैं कौन सा जाकर देख रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी बहन वो बाहर इंतजार कर रही होगी। जितन, कोई बात जो इस लड़की के दिमाग में आ जाए वो निकालना महाल है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, घर आ जाओ। मुझे तुमसे मिलने पर एतराज नहीं है, लेकिन मैं घर नहीं हूँ। घर पर कोई नहीं है, मामा कहीं बाहर गई हैं। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया। और अगर मैं ना आया तो? दिल को यकीन है तुम जरूर आओगे, क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो घर से बाहर नहीं हो सकती। प्लीज आओगे ना? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। खाना वही खाएंगे? हाँ, वही खाऊंगा।
गाना अच्छा था वैसे। निमाल ने पूछा नहीं इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पूछा था। मैंने एक दोस्त की तरफ जाना है तो उसी का क्या करूं? तुम भी रिवायती शोहरों की तरह झूठ बोलने लगे हो। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। कल मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है। अच्छा, तो ये बताने के लिए बुलाया मुझे? नहीं, कुछ और भी कहना था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। Come on. ये सब बातें करने के लिए वक्त गुजर चुका है, वैसा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे शादी कर लो फैसल। हाँ, वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। आखिरी कॉल सुनी की थी, क्या वो फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करूँ, कॉल करूँ? क्या कह रही हो? बिल्कुल फैसल, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कमान, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हम बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं। देखो सोनिया, मेरी अब एक बीवी है, बच्चा होने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत सोचा। और मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो? वो तुम्हारी अम्मी की पसंद है, उनके पास रहेगी। मैं यहाँ रह लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और उसके बाद? और बाद में क्या? बाद में पता चले भी तो क्या, हमारी शादी तो हो जाएगी ना। तुम जज्बाती हो रही हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब नहीं हो सकता है सोनिया, फुफ्फो ही नहीं मानेगी। बस तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। प्लीज मुझसे शादी कर लो। इंसान हो या पपेट? मैं लड़की होकर इतना बड़ा स्टेप उठा रही हूँ, तुम मर्द होकर एक फैसला नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हारी अम्मी को उनकी पसंदीदा बहू मिल गई ना, तो एक फैसला तुम अपने लिए भी कर लो। देखो, या मेरी कसम खा, तुम मुझे भूल गए? हाँ, ये कहो कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती? या मुझे बताओ कि क्या तुम उस लड़की के साथ उतना खुश हो जितना हम दोनों एक साथ खुश रह सकते थे? बोलो, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते फैसल, हम दोनों एक दूसरे को नहीं भूल सकते। सोनिया, समझने की कोशिश। फुफो, मेरी बात प्लीज, फुफो मेरी बात। मिस, बेशर्म कहीं की। फुफो आप, तुम चुप रहो फैसल, चले जाओ यहां से। मैं कह रही हूँ, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारा, चले जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मेरी बात तो सुनिए आप। जाओ फैसल, तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें देख लूंगी। प्लीज जाओ। सुना नहीं तुमने? तुम्हें शर्म नहीं है सब करते? बेगैरत कहेगी। मुझे सोनिया को इस हालत में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आखिर वो ये सब कुछ मेरी खातिर ही तो कर रही है। थोड़ी शर्म करो, डूब मरो। कल तुम्हारी शादी की तारीखें तय हो रही है और तुम उसको बुला के लिए आए कोर्ट मैरिज करने के लिए। तुम मेरी औलाद हो भी के नहीं? मेरी तरफ गौर से देखे मामा, आपको तरस नहीं आता मुझ पर? मैंने तुम्हारी जिंदगी से फैसल को नहीं निकाला था,
जिसने भी निकाला, मगर अब वो मेरी जिंदगी में वापस आकर रहेगा और ये मैंने तय कर लिया है। वो शादीशुदा है, तुम उसकी दूसरी बीवी बन कोर्ट मैरिज करोगी, इस ताल्लुक को वह गुनाह की तरह छुपा के रखेगा तो दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे, और तुम्हारा बाप वो तो मुझे जान से मार देगा। पापा को कैसे हैंडल करना है कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती। और रह गई बात दूसरी, तो अगर मैं उसे निकाह करने पर मजबूर कर सकती हूँ तो उस निकाह का ऐलान भी करवा सकती हूँ। उसको अगर तुमसे निकाह करना होता तो पहले ही कर लेता। ये बात तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आ रही? पहले की बात और थी, वो मेरी गलती थी। ना मैं उसकी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहती, ना वो मुझसे दूर जाता, मगर अब वो मेरी जिंदगी में वापस जरूर आएगा, और इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना आप अपनी बेटी को खो देंगी। समझी आप? मुझे फैसल से पूछना चाहिए? नहीं, हो सकता है ऐसी कोई बात ही ना हो। मुझे ये गलतफहमी हुई है, मुझे हौसले और सब्र से काम लेना होगा। आखिर मैं उनकी बीवी हूं, कल को बीबी आ जाएगा तो उन्हें मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आज डॉक्टर ने भी डेट दे दी है, आप भी जा रहे हैं। अम्मी का रवैया भी दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी। नवाल देखो, समझने की कोशिश करो, मैं ऑफिस का काम है मेरे, मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम लेकिन देखो, मैं ड्राइवर को भी ताकीद करके जा रहा हूँ, अम्मी को भी कह दिया है कि तुम्हारा ख्याल रखें, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। अकेला बंदा सारे काम करो, फिर कहते हैं कि टेंशन ना लो। जानती हो तुम बहुत अच्छी, मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान हूं जिसको तुम्हारे जैसी खिदमत गुजार बीवी मिला। खैरियत, आज आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे? मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ।
कही है। अगर कभी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आप ऐसी गलती ही ना करें जिसके बाद आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ जाए। तुम फिक्र ना करना, मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगा। आप आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। तुम जब भी कॉल करोगी मैं फौरन आ जाऊंगा, मैं वक्त पर पहुंचूंगा। जी। अच्छा तुम मेरा सामान पैक कर दो, मुझे देर हो रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब ये सब कुछ ऐसे ही होना था, इसी तरह। अगर इतनी सी जुर्रत पहले दिखा लेते तो आज नवाल हमारे दरमियान नहीं होते। अरे क्या हो गया है तुम्हें, कम ऑन, भूल जाओ ना आज और आज के बाद सिर्फ मैं और तुम। मैंने अपने घर वालों को नाराज करके बहुत बड़ा कदम उठाया है, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, आई होप इट्स टाइमिंग। इट इज, क्योंकि तुम डिजर्व भी यही करती। ये तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। हेलो। अरे फैसल, मुबारक हो बहुत बहुत। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी। मैं भी अभी देख कर आ रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, वही नाक वही पेशानी। नवाल कैसी है? हाँ नवाल भी ठीक है, बस तुम्हारी बात करवाती लेकिन बहुत कमजोर हो गई है, आराम कर रही है। अब तुम आ जाओ फिर सारी बातें कर लेना। हाँ फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। नवाल का ख्याल रखिएगा। क्यों, क्या मैं नहीं रखती ख्याल उसका? ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप बात बेबात करती क्यों हैं? आप उसका ख्याल रखती हैं, मुझे पता है। रहने दो, तुम तो छोड़कर चले गए थे मेरी बहू को, मैंने ही तो संभाला है उसको। अच्छा डॉक्टर आयशा वक्त पर मिल गई थी? हाँ हाँ सब हो गया था, बस अब तुम आने की करो, आकर तफसील ले लेना सब। अच्छा अम्मी खुदा हाफिज। मुबारक हो, पापा बन गए। तुम भी तो छोटी मामा बन गई हो। मुझे कोई शौक नहीं नवाल के बच्चे की माँ बनने का। Come on यार, वो मेरा बेटा भी है। बहुत खुश नजर आ रही। खुशी की बात तो है, और by the way तुम ये खुशखबरी कब सुना रही हो मुझे? हम यहाँ हनीमून पर आए, फैमिली प्लान करने नहीं। बेवकूफ है। अरे भैया आधी रात को मैं डॉक्टर आयशा के पास जाती तो डबल फीस लेती वो। ये अस्पताल अच्छा है, फैसल और मुइज भी यहीं पैदा हुए थे, दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ का स्टाफ डॉक्टर दानिया
सब बहुत सियाने हैं। अच्छा सुनो, मैं बच्चे को देख कर आती हूँ, ठीक है? अब हिम्मत करो, उठने की करो, बस घर जाके नींद पूरी करना, मैं देख कर आती हूँ। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। अभी वैसे ये गया किसके ऊपर है? तुम पे गया और किस पे गया? बना बनाया तुम हो, वैसे भी बच्चे ददियाल पर ही जाते हैं। तुम्हें क्या हुआ यार, इतनी वीक वीक क्यों लग रही हो? लो भला, पूछे इससे। अरे भाई, बच्चा पैदा करके औरत कमजोर नहीं होगी तो क्या पहलवान बनेगी? अरे वो सब तो अपनी जगह पर ठीक है अम्मी, लेकिन चेहरा तो देखें इसका, बिल्कुल जर्द पड़ रहा है। तुम कुछ खा पी नहीं रही हो क्या? है, सब कुछ खाती पीती है, बस बुखार ही जान नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को चाहिए था ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्ही को फिक्र है, हमें फिक्र नहीं है अपनी बहू की? दिखाया है डॉक्टर को, ये देखो दवाइयां रखी हुई हैं। खुद ना खाए तो उसका मैं क्या करूं, कोई नन्ही बच्ची थोड़ी है कि मुंह में डालूं। दवाई तो खाती हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर उसके बाद दोबारा बुखार शुरू हो जाता है। अरे इन दिनों ऐसा हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं, कोई मारका थोड़ी सर किया है तुमने। अब मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो भी तुमने नहीं खाई। अगर खुद ढंग से खाना पीना नहीं करोगी तो बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? नवाल, अम्मी की बात माना करो यार, कोई गलत मशवरा तो नहीं देंगी तुम? जी। अरे देखो भूखा हो रहा है बच्चा, देखो जरा इसको। तुम नॉर्मल रूटीन में कब आओगी नवाल? जब सेहत साथ देगी। हाँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज में आमतौर पे इतना वक्त तो नहीं लगता। आपको कितनी औरतों का तजुर्बा है? या फिर आपको भी अम्मी की तरह लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूं? शुक्र है साहब ज़ादे हमारे इस वक्त सुकून से सो रहे हैं, वरना सारी रात तो जागते रहे, रोते रहे। और आप दूसरे कमरे में जाकर सो गए। बच्चे तो रोते ही हैं फैसल, लेकिन आपके रवैये से ऐसा लगता है कि मास के आने की खुशी नहीं है आपको। कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर बेटा है वो मेरा। ना मास के लिए वक्त है और ना ही मेरे लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप इस्लामाबाद से वापस आए ही नहीं, वहीं रह गए हैं। अच्छा, तो कर दिया ना शुरू वो बीवियों वाले शिकवे? थक गई हूँ रंग बरंग की गोलियां खाते खाते। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर हो जाता है। दो कदम चलती हूँ तो हांफने लगती हूँ। तू फिक्र नहीं करो, मैं कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। देखो मेरा ख्याल था कि तुम्हें ऐसी वीकनेस हो रही है बस, लेकिन जो कुछ तुम बता रही हो उसके बाद मैं कल ही तुम्हें ले जाऊंगा ना डॉक्टर के पास। ये आपका नहीं, अम्मी का ख्याल था। चलो ओके, गुड नाइट। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोनिया, मैं इस वक्त ऑफिस में बिजी हूँ यार। खुशखबरी सुनोगे ना तो सारा ऑफिस वर्क भूल जाओगे। अच्छा जल्दी बोलो। पापा वापस आ गए।
ये खुशखबरी है या शूट करने से कबल की वार्निंग? कुछ भी समझो, मगर पापा हमें माफ करने के लिए और तुम्हें अपना दामाद पाने के लिए तैयार है, लेकिन लेकिन उनकी एक शर्त है। देखो सोनिया, मैं नवाल को तलाक नहीं दूंगा। डोंट वरी, तुम्हारी डार्लिंग वाइफ तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसी बात नहीं है यार, मैं ये सब कुछ अपने बेटे की वजह से कह रहा हूँ। व्हाटएवर, एनीवे पापा चाहते हैं कि तुम जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा, और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? ऑफ कोर्स पापा देंगे। आर यू सीरियस? बिल्कुल, और अब तुम भी सीरियस हो जाओ क्योंकि पापा आज रात के खाने पर तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आज तो नवाल की अपॉइंटमेंट है। कम ऑन फैसल, तुम नवाल की अपॉइंटमेंट के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो, अजीब आदमी हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको फिर किसी दिन ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। फैसल, वो ड्राइवर के साथ भी जा सकती है। एंड प्लीज, पापा के सामने ऐसा कोई इंप्रेशन मत देना कि तुम्हारी जिंदगी में नवाल की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि मामा ने उनसे यही कहा है कि तुम अपनी पहली बीवी को तस्लीम नहीं करते, और हो सके तो जब तक पापा यहाँ हैं तो मेरे साथ ही रहना। ठीक है, देखते हैं। ओके, बाय। तुमसे मैंने कहा भी था कि तुम ड्राइवर के साथ डॉक्टर के चली जाना, फिर क्यों नहीं गई? मेरी तबीयत ठीक थी इसीलिए नहीं गई। सुनो नवाल, मुझे ऑफिस के काम से फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? ज्यादा नहीं, 3 या 4 दिन। ठीक है, मैं पैकिंग कर दूंगी। नवाल देखो, अब तुम्हें मेरी मसरूफियत के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए तो बहुत सरमाया चाहिए ना? कुछ ना कुछ तो अरेंज कर लूंगा, बैंक से कुछ लोन के लिए अप्लाई किया है वो मिल जाएगा, और बाकी मेरी सेविंग्स। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए और हमारे बेटे के लिए ही तो कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर। जी। माज सो गया? सो गया। कैसी है मिसेस फैसल? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैसल से रابطہ नहीं हो पा रहा था इसीलिए मैंने आपको फोन किया। आपका उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है? अगर वो किसी ऑफिशियल काम के लिए गए होते तो हमारे पास जरूर कोई खबर होती, लेकिन वो तो 3 दिन से किसी पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टी पर है। क्या वो ऑफिस की तरफ से इस्लामाबाद नहीं गए? जी नहीं मैम, वो तो पहले भी 15 दिन के लिए एक जाती काम से इस्लामाबाद गए थे। अगर वो तो ऑफिस के काम से गए थे, आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई है, इस्लामाबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है और ना ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। सुनो नवाल, मुझे ऑफिस के काम से फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। अगर वो किसी ऑफिशियल काम के लिए गए होते तो हमारे पास जरूर कोई खबर होती,
लेकिन वो तो 3 दिन से किसी पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टी पर है। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है, इस्लामाबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। असल ऑफिस के काम से भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए, इस तरह झूठ बोल कर कहाँ गए हैं। कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे? या अल्लाह, किससे पूछूं, क्या करूं? रो जा रहा है। कहां रह गई है? कहां मर, देख ही नहीं रही उसको, कब से रो रहा है बच्चा। देखते हैं। या अल्लाह, क्या हो गया, कहाँ चली गई? बच्चा रो रो के बदहाल हो रहा है। अरे मेरा बच्चा, ये कहाँ चली गई? निकाला ही नहीं जाता बच्चा, पता नहीं क्या कैसे जिंदगी गुजरेगी। नवाल, 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 ऐसे बड़े डॉक्टर से बात हुई नवाल के बारे में? जी हुई है। वो कहते हैं कि 6 दिन, 6 महीने या 6 साल लग सकते हैं उसको होश आने में। अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्या हो सकता है। हाल बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत साबिर। अपने मुंह से आज तक उसने एक भी शिकायत नहीं की थी, लेकिन आप तो समझ सकती थी, आपको तो देखना चाहिए था कि उसकी क्या हालत है। पर तुम जो उसे छोड़कर इस्लामाबाद जाकर अपना फोन बंद कर लेते थे, तुमने बड़ी कदर की उसकी, अब हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। I swear, आपसे बात करना फजूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है, पहले से बेहतर। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें वाकई नवाल की कोई फिक्र नहीं है? वो वहां हॉस्पिटल में है और तुम यहां मेरे पास बैठे हो। सोनिया देखो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वो बीवी है मेरी, मेरे बच्चे की माँ है, और सच बोलूं तो मुझे उससे लगाव नहीं, लेकिन मोहब्बत है। मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सका जैसी मैं से करता हूं। जानता हूं वो बहुत बीमार है, तो मैं कम से कम 2 दफा उससे अस्पताल मिलने भी जाता हूं, पर दुआ गो भी हूं कि चल चल ठीक हो जाए और मेरी औलाद का ख्याल रखने के काबिल हो जाए। और तुम्हारा?
लिए तुम जाओ। तुम ठीक कहते हो, एक दिन आएगा जब तुम्हारी जिंदगी सोनिया होगी, सिर्फ सोनिया। तुम्हारे दिल पर भी मेरी हुक्मरानी होगी और दिमाग पर भी। हेलो, वाकई? ओके, क्या हुआ? डॉक्टर ने नवाल भाभी को घर आने की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा शुक्र। फैसल, तुम चलो मेरे साथ। मोइस, यहीं घर पर रहना। मुबारक हो, सुना है तुम्हारी बीवी घर आ गई है। हाँ, वो भी थोड़ी देर पहले लेकर आए हैं उसे। आज खुश तो बहुत होगे। तुमने उसकी हालत नहीं देखी, अगर देखी होती तो शायद इस तरह की बात ना करती। हाँ ठीक है, अब घर आ गई है तो उसकी खिदमत करने के बहाने घर में मत बैठे रहना, ऐसा ना हो कि पापा अपना फैसला बदल दें। मैं बेवकूफ नहीं हूँ सोनिया, आज पहला दिन है, उसका कुछ तो हक बनता है। हाँ तो मैंने कब एतराज किया, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि पापा अब हमारी शादी अनाउंस करना चाहते हैं। प्लीज सोनिया, उन्हें सिर्फ चंद दिनों के लिए रोक। I'll try, बट मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। तुम बात करके देखो प्लीज। बाय। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वापस इस कमरे में देखकर। अरे कुछ मत कहो, एक बार तुम ठीक हो जाओगी ना तो फिर हम खूब बातें करेंगे। क्या? भूख लगी है, सर्दी लग रही है, मांस को लाऊं? वॉशरूम जाना है। ये सब निमरान ने लिखा है? अच्छी बात है, ये अच्छा तरीका है, इससे सारी बात समझ में आ सकती है। पलटू? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी और सब ठीक हो जाएगा उसके लिए। खुद को मत थकाओ। मैं अपना सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगा। यहाँ निमरा रहेगी, जाहिर है तो मेरा रहना कोई जवाब नहीं बनता है उसका। अब वैसे निमरा बहुत अच्छी लड़की है, कोई हर्ज नहीं था कि अगर अम्मी मोहित से उसकी शादी करवा रहे थे। मैं बात करूं? हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी से बात करूंगा, बस मैं चाहता हूँ पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगी तो देखना सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं जरा आता हूँ नीचे का एक चक्कर लगा के। फिर क्या सोचा तुमने? लेकिन पापा मैं चाहता तो हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं नहीं। मैं तो फिर हालात को अपने काबू में करना सीखो। अब जबकि तुम बाप बनने वाले हो, ये फजूल के बहाने करना छोड़ो। मैं तो बताना चाह रही थी मगर
मामा ने मना कर दिया कि वो तुमसे खुद बात करेंगे। तुम खुश नहीं हुए? जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर है तुम्हारे लिए ये पहली दफ़ा नहीं बेटा, लेकिन हमारे घर की पहली खुशी है और हम तभी खुश होंगे जब ये शादी अनाउंस होगी, वरना हम लोगों को क्या जवाब दें? देखिए पापा, इस वक्त मैं तुम्हारे पापा तो इसी हफ्ते रिसेप्शन करना चाहते हैं बेटा, तुम सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। तुम लोग भी ये बात एक दिन नहीं छुपा सकते, तुम घर में बात करो वरना मैं खुद आमना से बात करती हूँ। चंद दिनों के लिए ही सही, मगर सबको दिखाने के लिए सोनिया को कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना होगा, तभी हम इसकी प्रेगनेंसी बताएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, नवाल की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये तुम्हारा मसला है, क्योंकि हम लोग भी शादी ना अनाउंस होने की वजह से बहुत परेशान हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। ठीक है मैम, बात करता हूँ। अच्छी बात है। सो रहा हूँ। ठीक हो के लोगी? अगर ठीक हो गई तो हेलो, तुमने घर पे बात की फैसल? नहीं अभी नहीं की है। तो कब करोगे? कर लूंगा, क्या हो गया तुम्हें, किस बात की जल्दी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है, जब बेबी पैदा हो जाएगा ना तो तब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। लिसन फैसल, अगर तुम्हें अपनी बीमार बीवी से बहुत हमदर्दी हो रही है ना तो मुझे डिवोर्स दे दो, कम से कम मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। हेलो क्या कह रहा है वो? क्या कहेगा मामा? तुम इसी तरह प्रेशराइज करती रहो, कार्ड का उल्लू कभी तो सीधा होगा। मामा प्लीज, कम से कम फैसल के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें। मैं तो उसके लिए और भी बहुत कुछ कहूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहती हूँ। कम ऑन मामा, वो सिर्फ आपका भतीजा ही नहीं दामाद भी है। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे तुम्हारी शादी चोरों की तरह छुप के करनी पड़ी। ठीक ही तो कहती है सोनिया, जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है। क्या मेरे नसीब में ये बीमार और माजूर औरत लिखी जिससे मुझे हमदर्दी तो हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं? अच्छा नहीं, ये कब इस काबिल होगी कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके? और फिर मैं इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा, आज या कल इसे मालूम हो ही जाएगा, बेहतर है मैं इसे खुद तरीके से बता। नवाल, देखो मैं इस वक्त ये बातें करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही इस रुख पर आ गए। देखो नवाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खिदमत गुजार, लेकिन
मैं नहीं अच्छा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं कैसे कहूं तुमसे, कभी कभी बहुत अच्छे लोग आपकी जिंदगी में इसलिए कोई जगह नहीं बना सकते क्योंकि शायद आपको उनकी जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैंने सोनिया से निकाह कर लिया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी माज की दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, अपने सारे फराइज पूरे करूंगा। लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। आई होप तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगी। वो अम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। फुर्सत मिल गई माँ से बात करने की? पता नहीं कहाँ होते हो, किन हवाओं में रहते हो, ना घर पार की फिक्र ना माँ की परवाह, कब आए कब गए कुछ खबर ही नहीं। दरअसल अम्मी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने और सोनिया ने निकाह कर लिया। क्या? निकाह? जी अम्मी, निकाह। अब आज शाम को वलीमा है, आप शामिल होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप शामिल नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आखिरकार उसने शादी के बाद मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में ही आई। मैं कभी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। उसका अंजाम भी तो देख लिया ना आपने, जिससे मेरी शादी करवाई थी आज वो एक अपाहिज के तौर पर कमरे में पड़ी है। आपकी बहू है, अब आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। घर में रखा है, इलाज चल रहा है उसका, और क्या करूं मैं? और जो पहले की थी वो? प्लीज अम्मी बस कर दीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला। सारी जिंदगी आपने हम दोनों भाइयों को प्रेशराइज किया, अपनी मनमानी की। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। ये हमारी जिंदगी है और इसको हम अपनी मर्जी से गुजारें। आज शाम को वलीमा है। मैंने कहा ना मैं नहीं शामिल होंगी। आपकी मर्जी है, मत आइए। आपने निम्रा बीबी को कुछ नहीं बताया?
दिल को मजबूत कर ले बीबी, आज नई दुल्हन घर आ रही है। सब आपका पूछ रहे थे, फैसल ने कह दिया कि आप बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके। ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं मर गई? ये लॉजिकल नहीं लगता ना, इसलिए नहीं कह सके। अम्मी प्लीज, मैं जानता हूँ आप खुश नहीं, लेकिन मेरी खातिर हालात का तकाजा यही है कि खामोशी इख्तियार कर ले और वलीमे में शरीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाए। चले वलीमे में शिरकत ना करें, लेकिन आई हुई दुल्हन का घर में इस्तकबाल कर लीजिएगा, वरना आप बेटे से हाथ धो बैठेंगे। मोर बीबी, दुल्हन को बिठाए, इट्स ओके। हमेशा की तरह शिकस्त मेरा ही नसीब है, लेकिन आज ये हार आलिया के हाथों नहीं, अपनी ही औलाद के हाथों हुई है। रहने दे मामी, खुद पर ज्यादा जबर मत कर। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रहे हैं। मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आई, सिर्फ लोगों को जवाब देने आई हूँ, आपके पोता या पोती का। हेलो निम्रा, कैसी हो? इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारी बहन की जगह लेने नहीं आई, क्योंकि वो यहाँ आ तो गई थी लेकिन एक भी दिन मेरी जगह नहीं ले पाई। नवाल, नवाज, नवाज, नवाज,